क्या आप भी इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं? आपके भी सपने होंगे कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंग्लिश सीखें। लेकिन फिर भी हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हैं? कई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, इतने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें इंग्लिश क्यों नहीं आती है? क्या आप जानते हैं कि इसका क्या कारण है कि हम इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना नहीं सीख पाते? सबसे पहले हम इसलिए नहीं सीख पाते हैं क्योंकि हम हमेशा गलत रास्ता अपनाते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छा रास्ता अपनाएंगे तो आप इंग्लिश पढ़ना भी सीख पाएंगे और लिखना भी सीख पाएंगे और बोलना भी। ऐसा कैसे होगा, चलिए जानते हैं। आज की वीडियो में जो मैंने तरीका बताया है उससे मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे कि इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें आपको मोटी मोटी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इजी तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। आज जो ट्रिक है उसमें मैं आपको 2 लेटर्स से लेके 9 लेटर्स तक रीडिंग करना सिखाऊंगी। जैसे 2 लेटर वर्ड्स को पढ़ना तो बहुत सिंपल है, आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको हम इससे ज़्यादा बड़े वर्ड देंगे ताकि पहले आप स्टार्टिंग करें छोटे वर्डों से, और जब आपको छोटे वर्ड इजी लगने लगे तो फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर आपकी जो भी परेशानी है रीडिंग करने की वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि डाउट यही रहता है कि बड़ी वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको छोटी से लेकर बड़ी सारी वर्ड मीनिंग पढ़ाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं IN यानी कि इन, OF ऑफ, TO टू, इज सॉरी IS यानी कि इज, IT इट, ON ऑन, NO यानी कि नो, US यानी कि अस, AT एट, UN अन, GO गो, AN एन, MY माई, UP अप, ME मी, AS एज, HE ही, WE वी, SO सो, VE वी, VY वाई, OR और, DO डू, IF इफ, HI ही। तो आपको समझ में आया इसको कैसे पढ़ना है? आप एक बार दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम जानेंगे 3 लेटर वर्ड्स। तो 3 लेटर वर्ड्स जैसे कि CAT कैट, MAT मैट, SAT सेट, HAT हैट, RAT रेड, BAT बैट, इसी तरीके से BED बैड, LED लैड, FED फैड, PEN पैन, DEN डैन, MEN मैन। बीच में A को भी A पढ़ते हैं और E को भी A पढ़ते हैं। अब I को पढ़ लेते हैं जिसको हम I को बीच में E पढ़ते हैं, जैसे FIT फिट, WIT बिट, HIT हिट, LIT लिट, SIT सिट, SIN सिन। ठीक है, आप ओ को जान लेते हैं। ओ को हमेशा ओ पढ़ते हैं, जैसे POT पॉट, GOT गॉट, HOT हॉट, RODरोड, POD पॉट, COD कॉड। ठीक है, अब यू को हम बीच में नहीं पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? FUN फन, RUN रन, SUN सन, RUT रट, HUT हट, NUT नट। तो आपको इसको अच्छे से दोबारा से रीड करना है। चलिए अब हम जान लेते हैं 4 लेटर यानी कि 4 अक्षरों से अगर कोई स्पेलिंग होते तो उसको कैसे पढ़ते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं BOOK बुक, FOOD फूड, GOOD गुड, HOOD हुड, LOOK लुक, MOON यानी कि मून। देखिए डबल ओ को ऊ पढ़ा जाता है, इसको हम छोटा और बड़ा दोनों ऊ पढ़ते हैं। उसके बाद BEEF बीव,
VEEN. Ween. DEED. Deed. DEEP. Deep. FEED. Feed. FEET. Feed. उसके बाद BOAT. Bought. देखिए ओ ए को ओ पढ़ा जाता है और डबल ई को ई पढ़ते हैं, तो BOAT bought. LOAF love. SOAK sock. COAST cost. LOAN यानी कि lawn. SOAP soap. कि AI को A पढ़ा जाता है, तो BAIL bell. FAIL fail. GAIN gain. HAIL hail. JAIL jail. MAIN man. ठीक है, इसको आप दोबारा से भी पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आए. अब हम जान लेते हैं पांच लेटर वाली वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ते हैं. अब देखिए ABACK awake. ABASE awake. ABATE await. ABAYA awaya. ABBEY AB, क्योंकि EY को E पढ़ते हैं इस वजह से. ABBOT abort. Abort. BANDS bands. Bench. BANDE bandy. Bandy. BANES bands. Bands. BANGS bangs. Bangs. BANJO banjo. Banjo. BANKS bangs. Bangs. CABAL cable. Cable. CABBY KB. KB. CABER caber. Caber. CABIN cabin. Cabin. CABLE cable. Cable. CACAO keko. Keko. GROWTH growth. Growth. GENTLE gentle. Gentle. GOSSIP gossip. Gossip. GAMING gaming. Gaming. GLANCE glance. Glance. GATHER gather. Gather. GUITAR guitar. Guitar. GARLIC garlic. Garlic. GRESE gracie. Gracie. GRASSY gracie. Gracie. GREDY greedy. Greedy. GENTRY gentry. Gentry. GENERAL तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, जर्नल. जर्नल. ठीक है, जर्नल, क्योंकि इसमें ए एल को अल पढ़ रहे हैं और ई एन को भी अन पढ़ रहे हैं और ई आर को र पढ़ रहे हैं. और उसके बाद GREATER ग्रेटर. ग्रेटर. जी आर को ग्र पढ़ा, ई ए को ए पढ़ा और टी ई आर को टर पढ़ा, यानी कि ग्रेटर. उसके बाद GRAPHIC
ग्राफिक, ग्राफिक। उसके बाद जी आर ए बी आई टी वाई, तो ग्रा, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रे, क्योंकि बीच में ए को ए पढ़ते हैं, तो ग्रे बिटी, ग्रे बिटी, क्योंकि लास्ट वाले वाई को ई पढ़ते हैं, तो ग्रे बिटी। उसके बाद जी ई एस टी यू आर ई, गेस्चर, गेस्चर, क्योंकि टी यू आर ई को चर पढ़ते हैं, इसलिए गेस्चर हुआ। उसके बाद जी ई एन ई आर आई सी, जी ई एन ई आर आई सी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, जे नेरिक, जेन रेन। देखिए पहले जी ई को जे पढ़ा, एन ई को ने पढ़ा, आर आई ई आर आई सी को रिक पढ़ा, जेनेरिक। उसके बाद जी ई ओ एल ओ जी वाई, तो इसमें जी ई को जी पढ़ेंगे, ओ को हम यो पढ़ेंगे, और लो को हम लो पढ़ेंगे, और जी को जी पढ़ेंगे, यानी कि जियोलॉजी, जियोलॉजी। उसके बाद जी ए एस टी आर आई सी, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए बच्चों, ग्रेस्टिक, ग्रेस्टिक। उसके बाद जी आर ए एन आई टी ई, ग्रे नाइट, ग्रे नाइट, क्योंकि आई के बाद एक लेटर छोड़ के ई है, इसलिए इसे नाइट पढ़ रहे हैं, ग्रे नाइट। उसके बाद जी एल यू सी ओ एस ई, ग्लूकोज, लास्ट में एस ई को जा पढ़ें, ग्लूकोज। जी आर ओ सी ई आर वाई, जी आर ओ सी ई आर वाई को हम क्या पढ़ेंगे, ग्रोसरी, ग्रोसरी, ठीक है। उसके बाद जी ई एन ई एस आई एस, तो इसको पढ़ेंगे जेनेसिस, जेनेसिस। तो चलिए अब इससे भी बड़ी वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। अब आठ लेटर की वर्ड मीनिंग को पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको थोड़ा आप हैबिट बनाइए, डर निकालिए और पढ़ना शुरू करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी एस ओ एल यू टी ई, इसको क्या पढ़ेंगे, एब्सलूट, एब्सलूट। उसके बाद ए बी एस टी आर ए सी टी, ए बी एस टी आर ए सी टी, अपसेस्ट, अपसेक्ट, ठीक है। इसको आप अ की जगह ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि शुरू में जो ए होता है उसको आ भी पढ़ सकते हैं और ए भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद ए सी ए डी ई एम आई सी, ए सी ए डी ई एम आई सी, एकेडमिक, एकेडमिक। उसके बाद ए डबल सी ई पी टी ई, ए डबल सी ई पी टी ई डी, इसको पढ़ेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर ई एक्सेप्टेड भी पढ़ते हैं, लेकिन इसको एक्सेप्ट पढ़ना ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद ए डबल सी आई डी ई एन टी, यानी कि एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। उसके बाद ए डबल सी यू आर ए सी वाई, इसको पढ़ेंगे एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। अगर आप इसको लिखना भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करके लिखना भी सीख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। बी ए सी एच ई एल ओ आर, बैचलर, बैचलर, क्योंकि लास्ट में ओ आर को र पढ़ा जाता है। उसके बाद बी ए सी टी ई आर आई ए, बी ए सी टी ई आर आई ए, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बोलते ना बैक्टीरिया फैल रहा है। बी ए एस ई बी ए डबल एल, बी ए एस ई बी ए डबल एल, बेसबॉल, बेसबॉल। बी ए टी एच आर डबल ओ एम, बाथरूम, बाथरूम। बी ई सी ओ एम आई एन जी, बिकमिंग, बिकमिंग। बी ई एन जे ए एम आई एन, बेंजामिन, बेंजामिन। तो इसको आज आपको प्रैक्टिस करना है
और बताना है कि क्या आप इस टाइप की वीडियोस और चाहते हैं जिसमें हम इससे भी बड़ी वर्ड मीनिंग लाए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप बताइएगा कि आप कौन से नंबर की वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ पाते हैं, 2 letters, 3 letters, 4 letters, 5 letters या फिर 8 letters में आपसे गलती हुई, तो ज़रूर कमेंट करके हमें